तो यहाँ सुनते हैं 5 किलो अनाज के नाम पर भिखमंगा भिखमंगा बनाए हुए मोदी जी सबको। हाँ, भिखमंगा बना के रखे हुए हैं। 5 किलो अनाज के नाम पर वोट नहीं दीजिए। रोजगार अगर देते हाँ, तो भीख मांगने का क्या जरूरत था। हाँ, खैरात नहीं चाहिए भाई ना, रोजगारी दूर करे। बेरोजगारी दूर करेंगे तो खैरात कहे लेंगे हम। 5 किलो क्यों अनाज लेंगे हम। तेजस्वी जी के बारे में क्या कर रहे हैं। तेजस्वी जी ठीक है, बेरोजगारी दूर किए हैं। हाँ, रोजगारी दूर किया ना। नीतीश जी कहते नौकरिया तो हम दिए। कहाँ से दिए, इतने पहले कहे नहीं दिए। 15-18 साल से उनका राज चल रहा है, नौकरी क्यों नहीं दिए। आज तेजस्वी जी बने हैं, 17 महीना बना उनका सरकार बना रहा, 17 महीना का। हाँ, उसमें नौकरी दिए ना। चिराग जी को 3 बार उनके कैंडिडेट को यहाँ से लोग जिताया। हाँ, लेकिन जीतने के बाद दोबारा यहाँ नहीं आए। वो लोग पैसा लिए, टिकट दिए, ये कहिएगा केस कर देंगे चिराग जी। कर देंगे उससे क्या होगा। सन्नी जी को इसीलिए सुनेंगे जो मेरा बगल के हैं, सबसे अलग हो के सर। हाँ, अच्छा वोट मिलेगा इस बार। हाँ, हाँ। पूरा यहाँ माहौल हाथ का। हाँ, हाथ का है सर। हाँ, पूरा हाथ का है सर। और दूसरा पार्टी, और भी पार्टी, एक और कोई पार्टी तो निर्दलीय नहीं सर। हाँ, छाप का वोट है, यहाँ छाप वोट जाएगा। समस्तीपुर में हम यहाँ है और यहाँ चुनाव को लेकर सर्वे कर रहे, जनता से जानना चाह रहे हैं कि मूड क्या है। यहाँ शांभवी चौधरी लोजपा रामविलास से कैंडिडेट है, चिराग पासवान की पार्टी से, और कांग्रेस से उम्मीदवार है सन्नी हजारी, और इंडिया गठबंधन से कहिए कांग्रेस से। दोनों के पिताजी नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री हैं। महेश्वर हजारी पिता हुए सन्नी हजारी के, और अशोक चौधरी पिता हुए शांभवी चौधरी के। क्या माहौल, नाम बताए भैया। मेरा घनश्याम कुमार पोद्दार नाम है। पोद्दार, पोद्दार कौन समाज में, मतलब एससी एसटी ओबीसी? नहीं, जनरल, जनरल सर। जनरल पिछड़ा ओबीसी है आप जी, जी, तो कने माहौल है आपका। माहौल हाथ छापे चल जाएगा इस बार। 3 बार से जिता के हम लोग भेजे हैं चिराग जी के पार्टी से। हाँ, एक बार भी जो है से हम लोग का समस्या सुनने के लिए यहाँ नहीं आया। हाँ, जो बेरोजगारी कहा चाहे कोई भी, जीतने के बाद दोबारा यहाँ आए भी नहीं। तो यहाँ सुनते हैं 5 किलो अनाज के नाम पर भिखमंगा भिखमंगा बनाए हुए मोदी जी सबको। हाँ, भिखमंगा बना के रखे हुए हैं। 5 किलो अनाज के नाम पर वोट नहीं दीजिए। रोजगार अगर देते हाँ, तो भीख मांगने का क्या जरूरत था। हाँ, खैरात नहीं चाहिए भाई ना, रोजगारी दूर करे। बेरोजगारी दूर करेंगे तो खैरात कहे लेंगे हम। 5 किलो क्यों अनाज लेंगे हम उनसे। तो भिखमंगा बना के रखे हुए मोदी जी सबको, बोले हैं अगला 5 साल तक अनाज मिलेगा। वही करेंगे ना, दूसरा क्या करेंगे। वो करना तो उतना ही उनको है, उसी पर ठगना है, वोट ठगना है, वोट बनाना है अपना जैसे। सन्नी जी को क्यों चुनेंगे। सन्नी जी को इसीलिए चुनेंगे जो मेरा बगल के हैं, लोकल वाला लोकल है, हाँ, बगल के हैं, शांभवी बगल के हैं, महेश्वर जी भी बगल के हैं, वो भी बगल के हैं, उनका लड़का है, हम लोग के संपर्क में है, जब भी बोलाएंगे चले आएंगे। लेकिन जाएंगे तो फिर दोबारा नहीं आएंगे। नहीं आएंगे दोबारा, नहीं आएंगे। ये भी तो मंत्री जी की बेटी है, मंत्री जी की बेटी है, लेकिन दोबारा नहीं आएंगे। ये हमारा बगल के हैं, सन्नी जी मेरा बगल के हैं। अच्छा, पोद्दार समाज में बाकी आपका समाज का लोग किधर ठीक रहेगा। हाथ छापने जाएगा सर। हाँ, जाएगा हाथ छाप, बगल है, लोकल है, इसलिए। शांभवी जी को कौन लोग वोट दे रहा है। अब कौन दे रहा है सब शांभवी जी समझेंगे ना, शांभवी जी समझेंगे। चिराग जी को क्या कहिए, उन्हीं की पार्टी के। चलिए चिराग भैया के बारे में। चिराग जी को 3 बार उनके कैंडिडेट को यहाँ से लोग जिताया। हाँ, लेकिन जीतने के बाद दोबारा यहाँ नहीं आए। वो लोग तो नहीं आया तो फिर उनको फिर क्यों देंगे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बोलते हैं। उतना ही बोलते रहेंगे वो सब दिन। हाँ, उतना ही बोलते रहेंगे। जब वो नहीं देखेंगे तो उनको क्यों देखेगा लोग। अरे उनकी पार्टी में जो कार्यकर्ता नेता थे वो उनको नहीं देखे, और जो शांभवी उनकी पार्टी में कभी थी भी नहीं उसको टिकट दे। वही ना बात है। हाँ, पैसा लिए, टिकट दिए, ये कहिएगा केस कर देंगे चिराग जी। कर देंगे उससे क्या होगा। पोद्दार लोग भी। हाँ, हाथ छाप सर। हाँ, हाथ छाप में जाएगा वोट। अब मोदी जी डंकाओं का बजरा दुनिया में सुने। बजने दीजिए डंका सर, उसे क्या। मंदिर उन्दिर के नाम पर कुछ नहीं सर। धर्म के नहीं, कुछ नहीं सर। कुछ नहीं सर। मंगल सूत्र सबसे अलग हो के सर। हाथ छाप वोट मिलेगा इस बार। पूरा यहाँ माहौल हाथ का। हाथ का है सर, पूरा हाथ का है सर। और दूसरा पार्टी, और भी पार्टी, एक कोई पार्टी तो निर्दलीय नहीं सर। हाथ छाप का वोट है, वोट जाएगा। तेजस्वी जी के बारे में क्या कर रहे हैं। तेजस्वी जी ठीक है, बेरोजगारी दूर किए हैं। हाँ, बेरोजगारी दूर किए ना। तो नीतीश जी कहते नौकरिया तो हम दिए। कहाँ से दिए, इतने से पहले कहे नहीं दिए। 15-18 साल से उनका राज चल रहा है। हाँ, नौकरी क्यों नहीं दिए। हाँ, आज तेजस्वी जी बने हैं, 17 महीना बना उनका सरकार बना रहा, 17 महीना का। हाँ, उसमें नौकरी दिए ना। ये लोग बोलते हैं जंगल राज आ जाएगा। नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। पहले वाला बात खत्म है। आप अब नया है, युवा है। हाँ, काम करेंगे और हम लोग को विश्वास है, हम उनके साथ हैं। राहुल गांधी भी ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक है। ये लोग पप्पू उप्पू क्या क्या बोल देता है, बोलने दीजिए। बोलने वाला क्या कहिएगा। हाँ, अभी मोदी जी ठीक नहीं काम ना ना। अब इनको हटाना है। हाँ? इनको हटाना। चलिए, पोद्दार जी कह रहे हैं कि हटाना है मोदी जी को। और इस बार बोलिए मोदी जी इस बार नहीं रहेंगे मोदी जी नहीं रहेंगे। आपको क्या लगता है, मोदी जी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और खास करके अगर आप समस्तीपुर के हैं तो बताइए कि इस बार समस्तीपुर में कौन जीत रहा है। शांभवी चौधरी जीतेगी लोजपा से या सन्नी हजारी जीतेंगे कांग्रेस से। अरे वो जो देख रहा थी वो बोलथिन। हाँ, प्रतिक्रिया दीजिए। जय भीम, जय भारत।